दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर थ्वाइट्स को लेकर के प्रोफेसर भरत राज सिंह ने एक भविष्यवाणी की थी जो कि 2015 की थी, लेकिन आज इनकी भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। क्या इसके पिघलने से आ जाएगी प्रलय? आइए जानते हैं प्रोफेसर से। थॉट हार्वेस्ट करके द ग्लेशियर है जिसे डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं, उसका नाम ही है इस रखा है कि जिस दिन वो टूट सकते हैं तो पूरे दुनिया में एक तहलका टाइप बन जाएगा और वो डे शायद विपत्तियों का डे होगा। तो वो है, उसका करीब आकार जो दक्षिणी ध्रुव पर है सबसे बड़ा है, और उसकी स्टडी हमने 2015 में की थी। मैंने अपने बुक में जिक्र भी किया था कि ये ग्लेशियर जो है ये किसी दिन बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा, क्योंकि उसका जो टूटने का कारण बनेगा वो ये पिक्चर बनी हुई है। वो नीचे से बर्फ उसकी पिघल रही है ग्रेजुअली, तो वो क्या है, नीचे से पानी उसमें बन जा रहा और ऊपर बर्फ लटकी हुई, और ये 70,000 वर्ग मील मीन्स 1,12,000 से ज़्यादा ही कर लिए, 16,000 वर्ग किलोमीटर का नीचे से वो उसका बर्फ पिघल गया है और लटका हुआ है, दोनों एक उसमें क्रैक आ रहे हैं। तो जिस दिन वो पार्टली भी टूटा कुछ हुआ तो पूरा पूरा चंक 1,12,000 वर्ग मीटर का दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर आएगा तो इम्पैक्ट उसका जो है जिस समय वो गिरेगा उसी समय 6 इंच से ज़्यादा तो इम्पैक्ट उसके गिरने से, और वो पिघल गया टोटल तो करीब करीब 4 फीट पानी समुद्र का बढ़ जाएगा। और यही नहीं, आज देखा जा रहा है जो पिछले अभी वैज्ञानिकों का हम तो इस पर बराबर नज़र लगाए हुए हैं, तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि ये पिछले 6 महीने में ये जो 2020 के बाद का उसका जो बर्फ का गलना है वो 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच वो गलता चला जा रहा है। तो अगर इस रफ्तार से वो हो रहा है तो किसी समय भी ये टूटने का कगार हो सकता है, जो कि हमने 2015 में जिक्र किया था कि नीचे से वो लटका हुआ है, उसी फोटो अभी हमने आपको दिखाई। और ये अगर इस रेट से वो टूट रहा है वो पिघल रहा है तो किसी दिन भी ये टूट सकता है। ये किसी दिन अगर टूट जाएगा तो ये दुनिया के लिए प्रलय का दिन कहा जाएगा। इसी का जिक्र अभी मैं कर रहा था कि इसके लिए सभी को पूरे विश्व में साइंटिस्ट भी नासा से लेकर के कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट सब लगेंगे, लेकिन ये चीज़ें जब हमने 4-5 साल पहले भी जिक्र किया था तो इसमें कोई ना कोई दुनिया के साइंटिस्ट और सबको लग करके इसमें इसके पिघलने के रेट का अगर पार्टली इसको तोड़ तोड़ करके खंडित किया जाता है तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती जो आज होने के कगार पर है। पहली चीज़ मेरा इसमें कहाँ कमी है। दूसरा है कि अब सभी कोस्टल एरिया को तैयार हो जाना चाहिए कि उनके यहाँ कब ये गिरने के बाद अगर पानी का 4 फीट भी रेज हुआ तो कितनी बड़ी लहरें आएंगी, कितने बड़े तूफान होंगे, किनारे किस तरीके साइक्लोनिक इम्पैक्ट होगा, तो सबको सतर्क रह करके अब कहीं ना कहीं अपने सुरक्षित प्लेस को धीरे धीरे ढूंढना पड़ेगा। ये इम्पैक्ट कब हो सकता है कोई पता नहीं। पूरा इंडिया में तो 40% पॉपुलेशन आपकी कोस्टल एरिया में है, 2 से 3 किलोमीटर के अंदर अगर कोस्टल को लिया जाए तो इंडिया को भी अपने सुरक्षित करने की आवश्यकता है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज 18।